सलमान खान के बॉडीगार्ड सेरा पर लॉरेंस बिश्नोई के गुंडों ने किया हमला, सेरा हॉस्पिटल में भर्ती, बुरा हाल, सलमान को भी अब लगने लगा है डर। जी हां, आपको बताया दोस्तों कि सलमान खान के बॉडीगार्ड सेरा पर भी अब जो लॉरेंस बिश्नोई के गुंडे हैं ना दोस्तों, वो हमला करने लग गए हैं। क्योंकि आपको बता दें कि जितने भी बार सलमान खान के ऊपर हमला होता है तो जो सेरा है वही आकर सलमान खान को हर बार बचा लेता है। ऐसे में लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके गुंडों को ये समझ में आ चुका है कि अगर सलमान खान को रास्ते से हटाना है तो उससे पहले सेरा को रास्ते से हटाना होगा। क्योंकि हर बार सेरा जो है वो प्रोटेक्ट कर लेता था भाईजान को, इसी वजह से अब जो लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग है ना दोस्तों, उसकी नज़रों में ऐसा लगता है कि अब सलमान खान जो हैं वो नहीं बल्कि उनका बॉडीगार्ड सेरा ही गढ़ने लग गया है। इसी बीच दोस्तों खबर ये भी है कि जो सेरा है उसके ऊपर लॉरेंस बिश्नोई के कुछ गुंडों ने बहुत ही बड़ा हमला कर दिया है। और तो और ये भी कहा जा रहा है दोस्तों कि इस हमले में जो सेरा है उसको गंभीर चोटें आई हैं और सेरा पूरी तरह से जख्मी हो चुका है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि इसकी किसी भी तरह से कोई फुटेज तो निकल कर नहीं आई है, लेकिन एक बात तो क्लियर है दोस्तों कि जो लॉरेंस बिश्नोई और उसके गुंडे हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं और सलमान खान और साथी उससे रिलेटेड हर किसी से अपना बदला लेना चाहते हैं। यहाँ तक कि आपको बता दें कि एक पंजाबी सिंगर ने सलमान खान के साथ काम किया था तो उस पंजाबी सिंगर के ऊपर भी गोलियों की बरसात कर दी गई थी। इसी बात से दोस्तों आप सभी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सलमान खान हैं दोस्तों उनको कितना बड़ा खतरा है। और इसके साथ साथ आप ये भी सोच सकते हैं दोस्तों कि अब जो सेरा है उसको भी कितना बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ और सिर्फ खोखली धमकियां नहीं देता है, ये सब कुछ तो बाबा सिद्दीकी के इस दुनिया से जाने के बाद से ही समझ में आ चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों देखने वाली बात ये होगी कि जो सलमान खान है वो आखिरकार किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई से अपने सेरा बॉडीगार्ड को बचाते हैं। जो बॉडीगार्ड कभी सलमान खान को बचाता था उसी बॉडीगार्ड को अब सलमान खान को भी बचाना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों सलमान खान के लिए बेहतर यही होगा कि वो लॉरेंस बिश्नोई से जाकर जल्द से जल्द माफ़ी मांग ले बिश्नोई समाज से, क्योंकि अगर सलमान खान ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने लिए और अपने चाहने वालों के लिए और अपने रिलेटिव्स के लिए भी बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं। तो आप सभी हमें कमेंट करके बताना कि सलमान खान को ऐसी सिचुएशन में क्या कुछ करना चाहिए और सेरा के लिए सलमान खान को क्या करना चाहिए। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।